हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे संगठनों के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी इप्सा के बारे में, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग आर्कटिक काउंसिल के बारे में, आर्कटिक परिषद के बारे में, ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात करूँ तो 19 सितंबर 1996 को ओटावा घोषणा के साथ हुई थी इसकी स्थापना। इसके सचिवालय की बात करें तो नॉर्वे में है इसका सचिवालय, याद रखिए। 19 सितंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई, इसका सचिवालय है नॉर्वे में। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 8 इसके सदस्य देश हैं। कौन कौन से? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और यूएसए। याद रखिए, भारत इसका पर्यवेक्षक देश है, भारत इसका पर्यवेक्षक देश है। ये 2013 में बना, भारत आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक सदस्य 2013 में बना। आर्कटिक देशों, स्थानीय समुदायों, अन्य निवासियों को सहयोग एवं बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है बातचीत के लिए। आर्कटिक देशों और स्थानीय समुदायों और अन्य निवासियों के लिए सहयोग के लिए और बातचीत के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, ठीक है। इसके स्थानीय निवासियों की 6 स्थायी प्रतिनिधित्व संस्थाएँ हैं, 6 कार्यकारी समूह हैं, और बात कर ही चुके हैं 2013 में भारत पर्यवेक्षक देश बना था। इसके कार्य क्षेत्रों की बात करें हम लोग तो जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, महासागर, आर्कटिक के स्थानीय निवासी, सतत विकास इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। कौन कौन से? जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, महासागर, आर्कटिक के स्थानीय निवासी और सतत विकास, ठीक है। तो ये था आपका आर्कटिक परिषद। आगे बात करेंगे हम लोग नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, याद रखिए।